तो सिलबट्टे पे थोड़ा धूप आ गया है, तो सिलबट्टा देखिए हम पहले ही धो के और सुखा लिए हैं। आज हम काजू कतली आपको बना के दिखाएंगे। तो यहाँ पे हम खूब सारा काजू ले लिए हैं, जितना आपके पास उतना लें, जितना आपको बनाना है उतना लें। मैं 100 ग्राम से ज़्यादा ही ली हूँ, 150 ग्राम के करीब होगा। हैं, इसको अब हम पीसेंगे काजू ना। तो देखिए इस तरीके से हम पीस रहे हैं और कोशिश करेंगे कि बिल्कुल महीन हो जाए। और काजू ना तेल छोड़ने लगता है पीसने पे। तो देखिए एक बार में इतना महीन हुआ है, अब इसको दोबारा पीसेंगे। और थोड़ा सा ना हम धूप में ऐसे फैला के रखे हैं कि जब इसको सिलबट्टा पे हम लोग पीसते हैं ना, तो इसमें से ऑयल छोड़ने लगता है। आप अगर मिक्सर जार में पीस रहे हैं तो मिक्सी को क्या करें, एक बार चलाएं फिर थोड़ी देर के लिए बंद कर दें, मतलब एक दो सेकंड के लिए चलाएं बंद करें। ऐसे करके पीसिएगा ना तो इसमें जो ऑयल होता है वो कम छोड़ेगा और आपका जो काजू है बारीक हो जाए। तो दोस्तों हम काजू को पीस लिए हैं, लेकिन इसमें से बहुत तेल छोड़ दिया है, देख रहे हैं। तो ये चालने लायक नहीं है, नहीं तो आप छन्नी से छान के और जो मोटा वाला होता है उसको फिर से पीस सकते हैं, लेकिन मैं बारीक पीसी हूँ एक ही बार में, ठीक है। तो इसको छानने की जरूरत नहीं है, तो अब उठा लेते हैं, चलती हूँ बनाने। तो दोस्तों आपके पास अगर इलायची के पाउडर है तो इलायची के पाउडर डालें, मेरे पास इलायची के पाउडर नहीं है तो इसको ही पीस लेती हूँ। ज्यादा नहीं, मैं एक इलायची पीस रही हूँ क्योंकि थोड़ा सा काजू है हमारा। हाफ कप चीनी डाल दी हूँ, काजू भी मीठा होता है ना दोस्तों, इसीलिए मैं कम ही चीनी डाल रही हूँ। आप चाहे तो थोड़ा ज़्यादा मीठा बनाना चाहते हैं तो एक कप भी डाल सकते हैं, नहीं तो जितना काजू लिए हैं उतना चीनी। अब अपना मीठे के अकॉर्डिंग बनाना है तो मैं थोड़ा डाइट कर रही हूँ। तो एक कप हमारा काजू है, एक कप हम चीनी लिए हैं। आप थोड़ा सा चीनी कम भी कर सकते हैं क्योंकि काजू में मिठास होता है। तो मैं डाल लेती हूँ कढ़ाई में चीनी को, हाफ कप अंदाजे से ही पानी डालती हूँ मैं। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से मेरा मन कर रहा था कि मैं काजू कतली बनाऊँ और खाऊँ। वैसे तो दोस्तों आप लोगों से क्या झूठ बोलना है, जैसे कि हमारे गांव में जैसे कि हम जहां तक जानते हैं अपने घर के अगल बगल में बहुत ही कम लोग काजू कतली बनाते होंगे, क्योंकि महंगा है काजू इसलिए नहीं बनाते होंगे। लेकिन त्यौहार हो तो 100 ग्राम 200 ग्राम तो खरीद के खा ही सकते हैं कोई भी इंसान। तो पहले के टाइम में तो देसी मिठाइयाँ बना करता था, चावल के आटे का, गेहूँ के आटे का ऐसा मिठाइयाँ बना करता था। और मैं और हमारे घर में भी हमारी सासू माँ देसी मिठाई ही बनाती थी, लेकिन अभी थोड़ा मॉडर्न जमाना आ गया है, बच्चे सब बाहर पढ़ने लिखने लगे हैं, तो काजू कतली और कतली का नाम सब आदमी जानता है, नहीं तो काजू का तो पूछे मत। काजू तो हम लोगों को जब हम शादी होकर आए थे तो देखने को भी नहीं मिलता था, तो काजू का बातें क्या करें, काजू तो काजू है, करे काजू है। तो मैं इसीलिए जितना हमारे पास था काजू उसी का बना के आप लोगों को दिखा रही हूँ। बहुत से लोग सोचते हैं कि ये चीज़ खाऊं और महंगा होने के कारण नहीं खा पाते हैं, तो आपके पास कम है तो कम से भी बना सकते हैं आप। अब इस चाशनी को हमें एक तार दो तार का नहीं बनाना है, मैं आपको दिखाती हूँ कैसा बनाना है। ये ना शहद जैसा हो गया है, देखिए देख रहे हैं शहद जैसा हो गया है, चिप 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 चिप। अब यहीं पे हम जो काजू पीस के रखे हैं ना उसको हम यहीं पे मिलाएंगे। मिलाने के बाद में इसको अच्छा से हम फेंट लेंगे चाशनी में और इसको चलाते हुए पका लेंगे। एक डो के फॉर्म में आ जाएगा, जैसे कि हम लोग आटा नहीं गूंद के तैयार करते हैं, उससे थोड़ा सा लूज रहेगा ये। उसके बाद हम नीचे उतारेंगे क्योंकि इसमें चीनी है ना, तो इलायची जो डाली हूँ उससे फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा काजू कतली में। और घर का बना हुआ काजू कतली है तो टेस्टी भी बनेगा। तो दोस्तों हम अपने लाइफ में 2 से 3 बार काजू कतली बनाई, 2 बार दिल्ली में बनाई हूँ और एक बार अभी गांव में बना रही हूँ। तो जैसे कि ये जो हम काजू कतली घर पे बनाते हैं ना, तो ये थोड़ा ब्राउन ब्राउन दिखने लगता है, पता है क्यों, इसमें क्या रीजन है? इसका रीजन है कि जो हलवाई लोग हैं इसमें कुछ आता है रंग कार्ड, वो डाल के बनाते हैं तो उससे वाइट चमकता है चांदी जैसे, हैं। और हम लोग घर पे बनाते हैं तो बिना किसी केमिकल का यूज किए हुए बनाते हैं, स्वाद बाजार वाले से 4 गुना ज़्यादा आपका घर पे आएगा। और चूल्हे पे बना रही हूँ तो पूछिए मत, मैं तो फर्स्ट टाइम चूल्हे पे काजू कतली बना हुआ खाऊंगी, मैं आपको बताऊंगी कैसा बना है।
देखिए थोड़ा सा इसको हम भून लिए हैं, ये थोड़ा सूखने लगा है, तो एक चम्मच इसमें देसी घी डाल देती हूँ कि इसमें मॉइस्चर भी रहेगा और हमारा काजू कतली और अच्छा लगेगा खाने में। वैसे तो काजू का अपना भी तेल होता है, लेकिन हम एक चम्मच डाले हैं। तो दोस्तों ये डो का फॉर्म में आ चुका है, देखिए किस तरीके से ये हो गया है। तो चूल्हे का आंच को ना हम निकाल देते हैं बाहर, तो थोड़ी देर के लिए हम कढ़ाई में इसको चलाएंगे। अब कढ़ाई को हम नीचे उतार लेते हैं। एक बर्तन में थोड़ा सा घी लगा के इसी में डो को निकाल लेंगे। तो जो डो है ना काजू कतली का, देखिए इस तरीके का हो जाना चाहिए, जब भी जाके आपका काजू कतली को बनाने में तकलीफ़ नहीं होगी। वैसे हमारे यहाँ चावल के आटे का भी बर्फी बनता है, मैं आपको बना के दिखाऊंगी। अब इसको हाथों से अच्छा से, तो जब ये थोड़ा हाथ सहने लगे तो आपको क्या करना है ना कि एक डो के फॉर्म में बना लेना है, नहीं तो हाथों में थोड़ा पानी लगा लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए थोड़ा सा ठंडा हो गया है, तो मैं हाथों में पानी लगा के थोड़ा और इस तरीके से इसको एक डो जैसा बना ले रही हूँ। एक चकला पर थोड़ा सा हम घी लगा लेते हैं, जितना बड़ा हमारा काजू कतली आप अपने हिसाब से थोड़ा मोटा पतला बना सकते हैं। दोस्तों घी लगा ली हूँ, इस डो को रख लूँगी और थोड़ा सा इस बेलन में भी लगा देंगे, इसको बेल लेंगे। अब इसकी किनारी को भी हम सेट कर लेते हैं, क्योंकि इतना ज़्यादा तो है नहीं कि इसमें वेस्टेड भी हम निकाल देंगे, किनारों का नहीं निकाल सकते, क्यों वेस्ट करें। तो इतना देखिए ज़्यादा मैं पतला नहीं की हूँ, थोड़ा ठीक है मोटा, लेकिन खाना तो अपने ही है। तो ये डो थोड़ा गर्म था तभी हम बेले हैं, बिल्कुल ठंडा होने के बाद नहीं बेलिएगा। तो इधर ना हम लाला जी से सिल्वर पेपर मंगा, तो ये चांदी का वर्क है, मैं मंगवाई हूँ लाला जी से। तो इसको ऐसे लगाएंगे, देखिए इस तरीके से, हलवाई लोग तो खूब सारा लगा देते हैं, मोड़ के रखा गई बा। तो देखिए हम चांदी का वर्क थोड़ा सा लगा दिए हैं। अब इसको ना इस तरीके से हम थोड़ा किनारों को काट देते हैं, उसके बाद आपको जितना बड़ा पीस बनाना हो उस तरीके से आप काटें। तो मैं सोच रही हूँ कि ऐसा बनाऊँ कि पूरा फैमिली को मिल जाए। अब इसका जितना भी कटिंग है ना उसको साफ कर लें कि नीचे से पकड़ा ना रहे वो, इस तरीके से बढ़िया से नीचे तक कटिंग हो जाए, देखिए इस तरीके से। अब इसको हम तिरछा में कटिंग करेंगे। कितना सुंदर दिख रहा है दोस्तों। अब इसको ना थोड़ी देर के लिए दोस्तों खुली हवा में छोड़ दें। तो इसको हम कुछ देर के लिए खुली हवा में छोड़ देते हैं, 2-4-5 मिनट, उसके बाद आपको निकाल के दिखाते हैं। तो इसको हम 15-20 मिनट से ज़्यादा ही छोड़ दिए थे दोस्तों, अब कुछ काम कर रहे थे। अभी देख रहे हैं इस तरीके से हम अंदर से चाकू लगा के इसको निकाल ले रहे हैं, कितना बढ़िया फ्रेश पीस निकल रहा है, देख रहे हैं। ये देखिए कितना स्मूथ निकल रहा है। अब प्लेट में एक सर्विंग करके दिखाती हूँ। ये देखिए हम दिया लेके आए हैं कोलकाता से आप लोगों के लिए, हैप्पी दिवाली। क्यों ना से खुली रहे इसे, बड़ा खूबसूरत दिया है। तो इस तरीके से प्लेट में रखती हूँ और किनारे किनारे कतली को सजाती हूँ, काजू कतली को। सपन की रानी तू महलानी लग जाई ना धूप तुझे, बारिश आने वाली है दोस्तों। तो हमारा काजू कतली का प्लेट कैसा लग रहा है आप लोगों का दोस्तों बताइएगा। और ये लीजिए काजू कतली हम सजा चुके हैं। तो देखिए दोस्तों कितना खूबसूरत तरीके से मैं सजाई हूँ। और ये जो प्लेट था ये बहुत पुराना प्लेट है, ये हमारी शादी के पहले का प्लेट है, और ये हमारी ना मम्मी का दिया हुआ प्लेट है, इसको मैं बहुत संभाल के रखी थी, तो आज तक ये चल रहा है। कांच का प्लेट है लेकिन काफ़ी पुराना, 30 साल पुराना होगा कम से कम।
तो देखिए ये खूबसूरत सा काजू कतली देख के जब आप टेबल पे रखिएगा ना, सब पूछेंगे कैसे बनाए हैं। तो किसी बाजार से कम नहीं है ये काजू कतली, मतलब बाजार में तो मिलावटी मिलता है और ये प्योर काजू कतली है। तो आप लोग भी एक पीस खा लीजिए, देखिए और टेस्ट करके बताइएगा कि बड़ा वाला पीस देती हूँ आपको कि कैसा इसका टेस्ट है। ठीक है, ये लीजिए, ये इतना सॉफ्ट होगा खाने में कि मैं क्या बताऊँ। दीदी आज देखिए, आज देखिए, मैं अपनी दीदी से दिखाती हूँ, पूछती हूँ क्या है ये। देखिए क्या बना ले वाली चीन जैम था, मान जाए मान जाए। देखिए पेड़ा हो, दो बड़ी मम्मी बोल रही है पेड़ा पेड़ा ना हो, चीनी मैं क्या समझ जाओ, टेस्ट करके समझी क्या हो। मिठाई दोस्तों, दीदी तो बोली कि स्वाद तो एकदम ठीक बा, एक नंबर के स्वाद बा, तो यानी कि पास हो गया। अब इसको बना के फ्रिज में रख दीजिए और उसके बाद इसको खाते रहिए, तो ये 10 से 15 दिन 20 दिन भी चल जाएगा। हाँ, इतना मतलब स्वादिष्ट है कि बचेगा ही नहीं, ना बचे, ठीक है ना, बची ना बची, खाते रही हो। हाँ हाँ, मिठाई हम कहा दिल्ली में गए रहनी तो देख ले रहनी ऐसा मिठाई। तो दीदी बोल रही है कि मतलब ऐसा वाला मिठाई हम नहीं खाए हैं, वाकई में बात सही बोल रही हैं। तो दोस्तों आप कब बना रहे हैं काजू कतली बताइएगा। दीदी को तो बहुत स्वाद लगा, बोली कि एकदम मस्त मिठाई, पहले तो पहचान नहीं पा रही थी मैं, फिर मैं बताई तो बोल रही कि बहुत स्वाद बा। तो अभी मैं दीदी को भी दूंगी खाने के लिए, और अभी टेस्ट की है सिर्फ, और ले जाएंगी अपने घर पे। आप लोग भी खाइएगा, बनाइएगा इस तरीके से, और फिर उसके बाद स्वाद बताइएगा, हाँ कमेंट करके बताइएगा। तो कैसा लगा हमारा काजू कतली बनाने का तरीका ये भी बताइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अपने दोस्त में और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर सकते हैं जिनको काजू कतली बहुत पसंद हो। मतलब ऐसा कोई हो ही नहीं सकता व्यक्ति जिसको काजू कतली ना पसंद हो, और ख़ास करके हमको तो बहुत पसंद है, लेकिन जल्दी मिलता नहीं है इसलिए क्या बोलूँ, अंगूर खट्टे हैं। तो दोस्तों मैं बना के इसको इतना खुश हो रही हूँ, मन कर रहा है इसको देखे ही जाऊँ, खाऊँ कि ना खाऊँ, ऐसा हो रहा है मेरा मन। तो आप सभी को हमारे पूरे फैमिली की तरफ से हैप्पी दिवाली, दिवाली का ढेर सारा शुभकामनाएं, और माता रानी माँ लक्ष्मी आपके घर में ढेर सारा बरकत दें और पूरा फैमिली खुश रहे। मैं तो यही कामना करती हूँ कि जितने भी हमारे दोस्त हैं मस्त रहें, स्वस्थ रहें। तो फिर मिलती हूँ दोस्तों एक नई वीडियो में, जब तक के लिए काजू कतली को इंजॉय कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए।